राष्ट्रीय लोकदल के आलाकमान जयंत चौधरी ने बाबूलाल को मथुरा का नया जिलाध्यक्ष चुना है। राष्ट्रीय लोकदल ने 2022 के चुनाव के लिए समीकरण को बदलने के लिए ठानी, जिसे लेकर बाबूलाल को जिलाध्यक्ष चुना है, जिसके बाद नवागत जिलाध्यक्ष ने बड़ी संख्या में राष्ट्रीय लोकदल के कार्यकर्ताओं के साथ एकजुट होकर जिला कलेक्ट्रेट स्थित चौधरी चरण सिंह की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उनको नमन किया और जिलाध्यक्ष बनने की खुशी में मिठाई बांटी। जिला अध्यक्ष ने बताया कि उन्हें जो जिम्मेदारी दी गई उसे वे पूरी ईमानदारी और निष्ठा के साथ निभाएंगे। कहा कि पार्टी को मजबूती देने के लिए रात दिन काम करेंगे। वहीं रालोद नेता ताराचंद गोस्वामी ने कहा कि सर्व समाज के लिए राष्ट्रीय लोकदल काम कर रहा है, ऐसा नहीं है कि केवल जाटों की पार्टी है। बाबूलाल को जिला अध्यक्ष चुनकर राष्ट्रीय लोकदल ने दिखा दिया कि सर्व समाज के लिए पार्टी काम करती है। साथ में जिम्मेवारी दी है समता मूलक समाज की स्थापना के लिए, और 2022 में जो चुनाव आने वाला है उसकी बूथ लेवल तक हम अपने पहुंचेंगे और कार्यकर्ता बना के अपने पार्टी की तरफ ले जाएंगे और सभी दलों के से सामंजस्य बनाएंगे। जो हमारा हाईकमान का आदेश होगा, जो किसी प्रकार का गठबंधन किसी के साथ होगा तो साथ लेके चलेंगे। बाकी हमारे जिले के जितने भी सम्मानित नेता पदाधिकारी हैं वो उनको सबको साथ लेके एक ऐसी स्थापना करने की कोशिश करूँगा कि एक अच्छा संदेश समाज में भी जाए, अच्छा संदेश जिले में जाए और अच्छा संदेश हमारे हाईकमान को भी जाए। बता दें कि राष्ट्रीय लोकदल के नवागत जिलाध्यक्ष बाबूलाल के साथ पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने चौधरी चरण सिंह की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया और उनको नमन किया। इसके साथ ही मिठाई बांटकर खुशी मनाई।